sab log, I'm your friend, I'm your teacher, whatever you can say. I'm Nisha Sharma from Achievers Academy. You know guys, my channel is specially dedicated for teaching exams. Like any exam, TET of any state, UPTET, Htet, Rtet, Ctet, whatever, theek hai? And especially DSSB, K.V.S, matlab teaching mera first target hai. उसके साथ साथ हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम है जहाँ जीके या जो भी आता है तो आप उसकी तैयारी मुझ से जुड़ा साथ जुड़ के जो है आप कर सकते हैं. गाइस जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं मैं उनको बता देती हूँ कि मैं स्पेशल साइकोलॉजी करवाती हूँ, पैडागोजी, हिस्ट्री एंड बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे. और मैं शॉर्टली से आपको कहती हूँ कि साइकोलॉजी, पैडागोजी या किसी भी सब्जेक्ट का जो मैं आपको करवाऊँगी सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड करवाऊँगी. आपको एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे मेरे करे. अब देखिए आज जो मैं आपके लिए चैप्टर लेके आई हूँ साइकोलॉजी का, द चैप्टर इज एडजस्टमेंट, यू कैन से समायोजन. आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढना है ये चैप्टर आपको नहीं मिलेगा. और ये चैप्टर हमेशा एसटेट, सीटेट, किसी भी स्टेट का टेट है ना, कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन आता है. तो बहुत अच्छे से समझना है इसको. तो गाइस चैप्टर है एडजस्टमेंट. अब देखो एडजस्टमेंट होता क्या है बेसिकली. अब आप सबने सुना होगा भाई एडजस्टमेंट क्या होता है. हम एक फैमिली में रह रहे हैं, दूसरी फैमिली, चलो बीइंग इज़ फीमेल्स की बात कर लेते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, शादी हो जाती है, किसी दूसरे परिवार में चले जाते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, एडजस्टमेंट होती है. अपने घर की अलग लाइफ है, दूसरे घर की अलग लाइफ है, मीन्स किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल लेते हो, तो इट्स कॉल्ड गाइस एडजस्टमेंट. तो ध्यान से मैं बताती हूँ आपको एग्जाम में, एडजस्टमेंट नाम से कोई क्वेश्चन नहीं आता. एक आधा क्वेश्चन आ जाता है कि एक बच्चा एक परिवार से है, दूसरे परिवार में चला गया, एक स्कूल बदल लिया, वो वहाँ के माहौल में सेट हो गया, तो ये चीज़ क्या कहलाती है एडजस्टमेंट. बेसिकली जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है गाइस वो यहाँ से आता है, असमायोजन, कुसमायोजन या यू कैन से अनएडजस्टमेंट. मतलब असमायोजन, कुसमायोजन या यू कैन से अनएडजस्टमेंट, मतलब किसी भी टाइप का जब बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता. सिंपल सी भाषा में एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्लास का एक इंटरेस्टिंग सा वाक्य मुझे याद आया. मैं पूछती हूँ ये एडजस्टमेंट क्या होता है, तो एक बच्चा कहता है एक लड़की कि जी जैसे अब हम अपने घर पे चूल्हे वगैरह पे रोटी पका लेते हैं, अब हम गैस पे खाना पका रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट. मतलब गैस पे खाना पकाते थे, चूल्हे पे पकाते हैं, तो भाई ये हमारा क्या है, एडजस्टमेंट है. सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ. अनएडजस्टमेंट क्या है, तो एक बच्चे ने फटाक से आंसर दिया कि मैम ना तो गैस पे पकाए ना ही चूल्हे पे पकाए, न्यारी हो जाए, मीन्स अलग हो जाए भाई, तो ये क्या कहलाता है अनएडजस्टमेंट. इट मीन्स आपको पॉइंट क्लियर हुआ. अनएडजस्टमेंट क्या होता है, जब आप स्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, जो सिचुएशन आपके सामने है आप उस सिचुएशन में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो इट्स कॉल्ड अनएडजस्टमेंट. अब गाइस देखो साइकोलॉजी में इतना सिंपल नहीं होता. अनएडजस्टमेंट साइकोलॉजी में क्या होता है, आपके सामने सिचुएशन है, ठीक है, आप उस सिचुएशन के हिसाब से डील नहीं कर पा रहे, आप बहुत दुखी हो जाते हो, आप असामान्य सा मतलब अब नॉर्मल सा बिहेवियर करने लग जाते हो, तो ये चीज़ गाइस क्या कहलाती है, असमायोजन. मीन्स असमायोजन क्या हुआ, जब हम स्थिति के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर पाते, हम दुखी हो जाते हैं, हम असमायोजित हो जाते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, असमायोजन. अब यहाँ से ना दो क्वेश्चन आने की होप रहती है, एक तो इस सेक्शन से आता है, एक नेक्स्ट सेक्शन से. अब हम असमायोजित हैं मतलब दुखी होते हैं, तो गाइस उसके कारण क्या होते हैं, क्या रीज़न है कि हम दुखी हैं, भाई क्यों दुखी है, कारण तो होना चाहिए, तो ये उसके क्या होते हैं गाइस रीज़न. मैं पहले इसलिए लिख के रखती हूँ, थोड़ा सा टाइम कम लग जाता है, अपलोड जल्दी हो जाती है वीडियोज़. अब देखिए रीज़न क्या है गाइस, ये है इसके कारण. सबसे पहला है वन, कॉन्फ्लिक्ट, तनाव, टेंशन, दुश्चिंता, एंग्जाइटी, भगनशा, फ्रस्ट्रेशन एंड दबाव, स्ट्रेस. अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, आपको दिखने में तो भाई ये पांचों सेम लग रहे हैं. मैं आपसे पूछ लूँ कि बताना इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, तो आपको क्या लगेगा, यार ये पांचों तो तनाव, हमारी नज़र में तो वही तनाव है, वही टेंशन है, मैं तो स्ट्रेस में आ गई, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रखा है. मीन्स हमारी नज़रों में लगभग ये पांचों चीज़ें सेम हैं, बट गाइस ये पांचों चीज़ें अलग होती है. और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक स्टेटमेंट आपको गिवन होगी और पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट क्या है. तो देखो सबसे पहले है द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट. अब देखो गाइस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, द्वंद क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है जब हमारे सामने दो सिचुएशन, मीन्स कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब आपके सामने दो सिचुएशंस होती हैं और दो में से आपको किसी एक को चूज करना पड़े. देखो द्वंद संघर्ष कब होता है गाइस, जब टू सिचुएशंस में से आपको किसी एक को चूज करना पड़े. एक को चूज करने का मतलब
मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, आपके दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स सपोज एक ही दिन आ जाए तो आप क्या सोचोगे, भाई मैं ये वाला एग्जाम दूँ या ये वाला दूँ? मीन्स यू आर टोटली कन्फ्यूज. तो जब दो स्थिति में से आपको किसी एक को चुनना पड़े, एक बंदे को दो नौकरियाँ मिल गई भाई, दोनों ही अच्छी हैं, पर आप कन्फ्यूज होते हैं यार ये वाली चूज करूँ या ये वाली चूज करूँ. जनरल लाइफ में ले आओ, दो शादी है भाई, एक ससुराल में एक मायके में, हम कन्फ्यूज हैं ससुराल वाली अटेंड करें या मायके वाली. भाई प्रायोरिटी तो मायके का मन है, लेकिन अटेंड कौन सी करनी पड़ेगी, ससुराल वाली. तो इट मीन्स ये स्थिति क्या कहलाएगी, संघर्ष. तो एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन आया था, मतलब एक स्टेटमेंट गिवन होगी कि एक बच्चा है, उसने दो जगह का एंट्रेंस दिया अच्छे कॉलेज का, दोनों जगह उसका सिलेक्शन हो गया, तो बच्चा कन्फ्यूज है कि मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूँ. तो ये चीज़ क्या कहलाती है, तो असमायोजित तो कर रही है ना बच्चे को, तो ये चीज़ क्या कहलाती है गाइस, कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष. आई होप क्लियर है. नेक्स्ट है तनाव या टेंशन. अब देखिए तनाव या टेंशन, अब टेंशन या तनाव क्या होता है, मीन्स तनाव या टेंशन का मतलब क्या है. हमें तो हर बात से तनाव हो जाती है, मैडम वीडियो अपडेट नहीं कर रही तो भी टेंशन होगी भाई, ठीक है, मीन्स हमें तो हर बात से टेंशन हो जाती है. बट टेंशन एग्जैक्टली क्या होता है, एक सिचुएशन है. सपोज मेरा यहाँ पे एग्जाम है भाई परसों, ठीक है, परसों मेरा एग्जाम है, आज तक मेरा रोल नंबर ही नहीं अपलोड हो रहा, मेरा रोल नंबर टेस्ट ही नहीं है, मेरे को एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी ही नहीं है. तो ये स्थिति क्या कहलाती है गाइस, तनाव. मीन्स जब आप स्थिति के अकॉर्डिंग, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेडी नहीं होते, तो ये चीज़ गाइस क्या कहलाती है, तनाव या टेंशन. ठीक है, मतलब तनाव क्या हुआ, आप एक वीडियो पॉज करके मतलब नोट्स बना चाहे बना सकते हो, साइकोलॉजी के आपको बेस्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे. ये तो तनाव मीन्स जब इंसान स्थिति के अकॉर्डिंग तैयार नहीं होता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस यू आर नॉट रेडी, इट कॉल टेंशन. तो ये चीज़ क्या कहलाती है गाइस, तनाव या टेंशन. नेक्स्ट है दुश्चिंता. दुश्चिंता होती है गाइस एंग्जाइटी. अब देखो दुश्चिंता, भाई नाम से ही क्लियर है, बुरी वाली चिंता है. दुश मीन्स होता है ना बुरा, दुस्साहस. तो दुश्चिंता मीन्स हम नाम से ही कह रहे हैं भाई बुरी वाली चिंता है. तो बुरी वाली चिंता का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर गाइस दो माइंड होते हैं अपना. एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, मतलब जिसको आप बोलते हैं अचेतन मन. एक होता है आपका चेतन मन, जिसको आप बोलते हो कॉन्शियस माइंड. ठीक है, मीन्स आपका दो माइंड, आपको पता तीन माइंड होते हैं, मैं बता चुकी हूँ काफ़ी बार, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड. तो कॉन्शियस माइंड जो आपका प्रेजेंट माइंड है, जो आपका माइंड चल रहा है, ये कौन सा माइंड कहलाता है गाइस, कॉन्शियस माइंड. अनकॉन्शियस माइंड जो पीछे वाला दिमाग होता है, जिसमें सभी बातें सेव होती हैं, तो वो कौन सा माइंड कहलाता है गाइस, अनकॉन्शियस माइंड. तो जब आपकी कोई ऐसी बात है, जो अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, अनफुलफिल्ड विशेज होती है, मतलब वो विशेज जो हमारी पूरी नहीं होती, तो गाइस वो अपने कौन से माइंड में सेव होती है, अनकॉन्शियस माइंड. तो कई बार क्या होता है, पुरानी विशेज पूरी नहीं हो पाती, हमारी सेव हो जाती है, आगे कुछ ऐसे सिचुएशन आती है कि हम उन विशेज को पूरी करने का मौका मिल जाता है, लेकिन पिछला द्वंद, पिछले घर वालों की कन्फ्यूज़न, लड़ाई, वट एवर, वो चीज़ हमें रिमाइंड करवाती रहती है, हम दुखी होते रहते हैं. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ, आई हैव ए फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड थी, शी इज़ वेरी गुड फैशन डिज़ाइनर. शादी हो गई, उसको कहा गया डिज़ाइनिंग बंद कर दे भाई, तो उसके माइंड में क्या था कि मुझे तो डिज़ाइनिंग करनी है, पर उसने डिज़ाइनिंग को बंद कर दिया. कुछ दिन के बाद उसके हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो जाती है भाई कहीं दूर ससुराल वालों से, तो उसके माइंड में आता है यहाँ क्या उनका ससुराल वाले हैं, मैं डिज़ाइनिंग खोल लूँ. लेकिन भाई डिज़ाइनर बुटीक खोलेगी तो ससुराल वालों को पता तो चलेगा ही ना. तो उसके पास्ट और प्रेजेंट के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो चीज़ क्या कहलाती है, दुश्चिंता. देखो डिफरेंस क्या है, ये तो प्रेजेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है गाइस, ये क्या होता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच का, एक पुरानी याद एक नई याद, दोनों के बीच किसी भी टाइप से कुछ कन्फ्यूजन चल रही है गाइस, तो वो कहलाती है दुश्चिंता. क्लियर. नेक्स्ट है भगनशा. भगनशा क्या कहलाती है गाइस, फ्रस्ट्रेशन. अब देखो फ्रस्ट्रेट हो गया, फ्रस्ट्रेशन मतलब अब देखो हम तो हर चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लाइट चली गई तो गर्मी लग रही है फ्रस्ट्रेट हो गए, यार वीडियो साफ नहीं आ रही तो फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब किसी भी बात से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. लेकिन फ्रस्ट्रेशन क्या होती है एग्जैक्टली, आपकी कोई बहुत अच्छी इच्छा है, मतलब आपकी बहुत बड़ी विश है, सबको ये लगा है मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मेरी नौकरी लगेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फाइनल पॉइंट पे आगे कभी कुछ ऐसा हो जाए, मान लो एक आधे नंबर से रह जाए, आप लोगों को विश कर रही हूँ भाई सबका पास हो जाए, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, कि फाइनल एक आधे नंबर से रह जाती है, तो वो सिचुएशन गाइस कैसी होती है, यार सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं तो बस बहुत दुखी हूँ, कहने का मतलब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. मीन्स जब हमारी जो सिचुएशन, जो एक बहुत अच्छी इच्छा होती है, जब कोई विशेष इच्छा हमारी अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती,
तो वो जो स्थिति होती है, हम बहुत दुखी होते हैं, हमारा मतलब आत्मसम्मान गिर जाता है, लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो चीज़ क्या होती है यार, भगनशाह कहलाती है। मतलब जब आपको एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, आप ये कह सकते हो सिंपल भाषा में, तो वो चीज़ क्या कहलाती है गाइज, भगनशाह कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दबाव। दबाव होता है गाइज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, आपके लिए कोई भी हार जीत, कोई भी कॉम्पिटिशन, जब जीने मरने की बात बन जाए, जैसे सिंपल एग्जाम्पल ले लो भाई, बहुत सारे बंदे कई बार एग्जाम दे चुके होते हैं स्टेट सीटेट एंड यूपीटेट, मुझे लगता है बहुत ईजी होते हैं, बस आप लोगों के पास है ना प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती। मेरा स्पेशलाइजेशन है पिछले 4 साल से स्टेट एंड सीटेट, तो मुझे तो एटलीस्ट बहुत ईजी लगते हैं ये एग्जाम, बस प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी कि कोई भी एग्जाम को कैसे क्रैक करो। बहुत पढ़ना मैटर नहीं करता बच्चों, सिलेक्टेड पढ़ना मैटर करता है। इतनी किताबें पढ़ के भी पास नहीं होते, इतना पढ़ के भी पास हो जाते हैं। पेपर में क्या आता है, बस वो पढ़ो ना, फालतू पढ़ना ही नहीं। इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी आपको। अब देखो दबाव क्या होता है, स्ट्रेस मीन्स जब आपको एग्जांपल मैं यही दे रही थी कि एग्ज़ाम कई बार दे लेते हैं भाई पास नहीं होता, तो कहते हैं ना अब की बार तो मेरे लिए जो कंपटीशन है बस जीने मरने वाली बात है। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं बस मैम बहुत हो चुका, मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट है, या तो जीना या मरना है लाइफ, तो ये चीज़ क्या कहलाती है गाइस, स्ट्रेस मीन्स जब आपके लिए कोई हार जीत, जब किसी भी प्रकार की कोई हार जीत आपके स्वाभिमान की बात बन जाए, आत्म स्वाभिमान, या तो यार जीना है या मरना है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है गाइस, स्ट्रेस कहलाती है। ठीक है, तो आपको एक स्टेटमेंट दी गिवन होगी, मैंने इजीली आपको समझा दिया है, और आपको पूछा जाएगा वो स्टेटमेंट क्या है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से बता दोगे, दो चीज़ों में चल रहा है कन्फ्लिक्ट है, प्रेजेंट पास्ट में चल रहा है दुश्चिंता है, स्थिति के अकॉर्डिंग तैयार नहीं हो टेंशन है, कोई अच्छा सपना पूरा नहीं होता फ्रस्ट्रेशन है, और कोई भी कॉम्पिटिशन मेरे लिए सेल्फ रेस्पेक्ट की बात बन गई, तो ये क्या है, भगनशाह। तो गाइज ये स्थिति हमें क्या कर देती है, असमायोजन। ठीक है, ये स्थिति हमें क्या कर देती है गाइज, असमायोजन। चलो भाई हम असमायोजित हो गए, असामान्य बिहेवियर करने लगे, हम बड़े दुखी हो गए। लेकिन यार एक बात बताओ, क्या हम दुखी रहेंगे क्या? मान लो हम असमायोजित हो गए भाई, बट हम उस दुख से बाहर भी तो निकलेंगे, मतलब तरीके भी तो होंगे असमायोजन से दूर होने के, तो मीन्स दूर करने के उपाय क्या, अनएडजस्टमेंट को कैसे दूर करते हो, मतलब अनएडजस्टमेंट को दूर करने के क्या उपाय हैं गाइस, तो अनएडजस्टमेंट को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मैं लिख के देती हूँ किसी भी डेट में, पीजीटी लेवल में ऑलवेज क्वेश्चन आता है गाइज, ऑलवेज आज तक तो हमेशा देखा है कि अनएडजस्टमेंट से कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, मीन्स उसको दूर करने के उपाय। तो सबसे पहला उपाय है प्लायन, अस्केप। मुझे नहीं लगता ही बढ़िया, बट बता देती हूँ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं भाई, प्लायन करने का मतलब अस्केप। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आप दुखी हो किसी चीज़ से, असमायोजित हो, तो आप क्या करो भाई, अस्केप कर दो, स्थिति को ही छोड़ दो, मतलब उस स्थिति से भाग जाओ। मान लो आप यूपीटेट एसटेट सीटेट ही मत करो भाई, टेंशन ही नहीं होगी यार एग्जाम पास करना है, बट मुझे लगता है टोटली बकवास है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या आएगा कि एक बच्चा है, उसने कोई एग्जाम ही नहीं भरा, उसको पढ़ने की टेंशन है भाई, सास बहू को दो चार सुनाती है बातें तो बहू उठ के दूसरे कमरे में ही चली जाए, मतलब स्थिति से ही भाग लो भाई, तो वो चीज़ आपको क्या करेगी, अनएडजस्टमेंट से दूर करेगी, बट इट्स नॉट सो बेनिफिशियल। दूसरा उपाय होता है जो वन ऑफ द 3 टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है, औचित्य स्थापना। औचित्य स्थापना होता है गाइस सब्लिमेशन। ठीक है, औचित्य स्थापना क्या होता है गाइस, सब्लिमेशन। औचित्य स्थापना में क्या होता है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट आता है और आपसे तो ये ऑप्शन गिवन होगी, पूछेगा भाई स्टेटमेंट में क्या है। तो देखो औचित्य स्थापना का मतलब क्या होता है, अपनी बात को, कहते हैं ना बाय बुक और बाय क्रूफ, बस अपनी बात को जब हमें प्रूफ करना है तो वो चीज़ क्या कहलाती है गाइस, औचित्य स्थापना। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, हरियाणवी में कहावत सुनी होगी आपने, एक हिंदी में सॉरी, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, ये बात वही इस पर सेट होती है। औचित्य स्थापना में क्या होता है, आप बाय हुक और बाय क्रूफ अपनी बात को प्रूव करते हो। जैसे सपोज एक एग्जांपल हो, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, छोड़ो मतलब मेरा एग्जांपल नहीं है बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आई वांट टू बी लेक्चरर, मैं भाई इंग्लिश का लेक्चरर बनना चाहती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सपोज मैं लेक्चरर ना बन पाऊँ, ठीक है मैं क्लर्क बन गई मान लो एग्जाम्पल,
तो कोई मेरे पास आता है, अब मैं दुखी तो हूँ भाई, असमंजित तो हूँ, बट हमें क्या करना है, दूर करने के उपाय, हमें तो दूर करना है समायोजन को। तो कोई इंसान आके कहता है यार तुझे बनना था लेक्चरर, तू तो बन गई क्लर्क, अब क्या होगा तेरा, तो हम क्या कहेंगे भाई, तो लेक्चरर बनने में रखा ही क्या था, किताबें पढ़ता, कौन पढ़ता, कौन पढ़ाता, मैं तो क्लर्क बन के आराम से कुर्सी पे बैठा हूँ, ऊपर ही कमाई कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ। तो इट मीन्स भाई मैंने क्या किया, औचित्य स्थापना, मीन्स मैं असमायोजित तो थी बट मैंने औचित्य स्थापना करके अपने आप को खुश कर लिया, मतलब असमायोजन से दूर कर लिया। तो इसका क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में कि एक बच्चा है वो बीएड की प्रवेश परीक्षा देता है, ठीक है, एक बच्चा है उसने बीएड की प्रवेश परीक्षा दी बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसने कहा भाई अध्यापक बनने में रखा ही क्या है, तो ये क्या कर रहा है बच्चा, ऑप्शन दे रखे थे ऐसे। तो आप एक बात ध्यान से सोचो, उस बच्चे ने बीएड की प्रवेश परीक्षा दी, क्यों भाई, वही क्यों दी भाई बीएड की प्रवेश परीक्षा, बीएड तो वही करेगा ना जो टीचर बनना चाहेगा, अब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, तो वो कहता है अध्यापक बनने में रखा ही क्या था। तो इट मीन्स वो बच्चा क्या कर रहा है गाइस, औचित्य स्थापना। तो आपको स्टेटमेंट के रूप में आएंगे क्वेश्चन हमेशा और पूछा जाएगा ये क्या कर रहा है। थर्ड है प्रक्षेपण, इम्पोज कर देते हैं, प्रक्षेपण का मतलब होता है गाइस थोपना, जब हम अपनी बात को दूसरों के ऊपर थोपते हैं, मीन्स अपनी किसी भी बात को, अपने किसी भी पॉइंट को जब हम दूसरों पे थोप देते हैं कि जैसे मान लो एग्जाम पास ना हो तो हम क्या कहेंगे, पेपर ही बड़ा बेकार आता है यार, इतना घटिया पेपर था, पेपर वाले ने पता नहीं क्या कर रखा था यार, मैडम तो कह रही थी साइकोलॉजी में मेरे करवाए हुए 27 नंबर ऑन बोर्ड आते हैं, क्या मैडम ने कहा था, कोई नहीं ऑन बोर्ड क्वेश्चन आए, लाइक ऐसे से बोलते बच्चे मान ले, बट मेरे साइकोलॉजी में भाई ऑन बोर्ड 27 आते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है ये किसी भी डेट का। तो प्रक्षेपण होता है गाइस औचित्य, मतलब अपनी कभी दूसरों पर थोपना, यार ऐसी जगह कोचिंग लेने गए थे, पेपर ही बेकार आया था, मैडम ने ही बेकार पढ़ाया, लाइक तो ये चीज़ क्या कहलाती है गाइस, प्रक्षेपण, मींस जब हम अपनी कमी, यू कैन राइट, जब हम अपनी कमी और अपने दोष को दूसरों पर मंड देते हैं, दूसरों पर थोप देते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है गाइस, प्रक्षेपण या औचित्य स्थापना। नेक्स्ट है आत्मीकरण, तदा आत्मीकरण, असिमिलेशन, असिमिलेशन, आत्मीकरण या तदा आत्मीकरण। असिमिलेशन क्या होता है, देखो प्रक्षेपण इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें क्या होता है हम अपनी असफलता को, मतलब अपनी कमी को अब उसी क्षेत्र में जुड़े किसी विशेष इंसान से जोड़ दें, जब हम अपनी कमी को उसी क्षेत्र में जुड़े, उसी फील्ड में जुड़े किसी खास आदमी से जोड़ दे गाइस, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, आत्मीकरण या तदा आत्मीकरण, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, आत्मीकरण या तदा आत्मीकरण। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ, सपोज आप भी एग्ज़ाम दो, आपका टीचर भी एग्ज़ाम दे, बिल्कुल आपके अध्यापक का भी पेपर पास ना और आपका भी पास ना, तो आप सच बताइए पहला डायलॉग क्या होगा आपका, आप क्या बोलोगे, यार जब टीचर का ही नहीं पास हुआ तो मेरा कहाँ से पास होगा। इट मीन्स क्या है कि सपोज मैं भी पेपर दूँ बट मैं नहीं दूंगी, आई ऑलरेडी 5 and 6 टेस्टेड एंड सीटेड, तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं भी पेपर दूँ तुम भी पेपर दो भाई, आपका भी ना और सपोज मेरा भी ना हो, तो आपका पहला एग्जांपल क्या होगा, यार मैडम का तो हुआ नहीं हमारा कहाँ से होगा। मीन्स आप अपनी बात को उसी क्षेत्र में जुड़े आपसे थोड़े से फेमस इंसान से जोड़ देते हो, तो ये चीज़ क्या कहलाती है गाइस, आत्मीकरण या तदा आत्मीकरण, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, मीन्स जब हम अपनी असफलता को उसी फील्ड में जुड़े विशेष इंसान से जोड़ देते हैं, तो आपको स्टेटमेंट कोई भी बना देगा, एक बच्चे ने पेपर दिया उसके अध्यापक ने दिया, बच्चे को सिलेक्शन नहीं मिला, अध्यापक का भी नहीं हुआ, तो ये बच्चा कह रहा अध्यापक का नहीं हुआ, तो ये क्या चीज़ है, तो ये चीज़ क्या है गाइस, आत्मीकरण या तदा आत्मीकरण। एक होता है प्रत्यागमन, रिग्रेशन। प्रत्यागमन क्या होता है, पीछे की अवस्था में लौटना, कि जब आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो कि आप दुखी हो, आप पिछले तरीके से डील करो, जैसे एक बूढ़ा इंसान है, एक बार क्वेश्चन आया था, बूढ़ा इंसान बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस रहा है, तो वो क्या कर रहा है गाइस, तो बूढ़ा इंसान बच्चों की तरह खिलखिला के हंस रहा है, तो वो कोई क्या कर रहा है गाइस, प्रत्यागमन कर रहा है, मीन्स वो रिग्रेशन कर रहा है, पीछे की अवस्था में लौट रहा है, बूढ़ा इंसान है बेचारा दुखी है, बच्चों की तरह हंस के खुश हो रहा है, तो वो रिग्रेशन कर रहा है, मीन्स पीछे की अवस्था में लौटना, ठीक है गाइस। तो ये क्या थे आपके असमायोजन को दूर करने के उपाय। देखो YouTube पे वैसे तो हजारों वीडियोस हैं, बट मेरा ये रहता है पॉइंट कि कुछ यूनिक मैं लूँ,
इसलिए मैंने चैप्टर को चुना है. मैंने मतलब मुझे अच्छा लगता है, एग्जाम में हमेशा आता है, तो मैं डिफरेंट ही आपको प्रोवाइड करूँगी. जी प्याज एन वाई गोस की कॉल बर्क, अब हम इनको डील करेंगे गाइस, ठीक है. सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन एक लाइक तो बनता है, और हाँ शेयर तो जरूर करना. और इफ़ यू रियली लाइक मी देन सब्सक्राइब माई चैनल. होप सो मैं आगे जो है आपको वीडियो स्टार्ट की जाए, आपको जो मैं लाइव वीडियो शुरू करने वाली हूँ जल्दी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच.